टोच तो ये करंट अफेयर में आया था ये न्यूज पेपर्स में काफी टॉपिक आया था और ये इस वजह से आया था क्योंकि इसे रिसेंटली वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट की जो लिस्ट होती है उसमें इसको इंस्क्राइब करा गया था इस मोन्यूमेंट को इस टेम्पल को और ये थर्टी इंस्क्रिप्शन थी इंडिया के एंड से और उसके बाद जो फोर्टी इंस्क्रिप्शन थी वो आपकी धोलावीरा है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि हमने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स लिस्ट की एक सीरीज लॉन्च करी है जिसके अंदर चार लेक्चर्स हैं जो पहला लेक्चर है उसमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का ओवरव्यू दिया गया था दूसरे लेक्चर में आपको जो इंडिया की जो सारी साइट्स उसमें लोकेटेड है उसमें जो इंस्क्राइब है उसके बारे में आपको बताया था तो ये उस सीरीज में तीसरा लेक्चर है तो अगर आपने वो प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू दो ज्यादा अप्रिशिएट कर पाएंगे इस इवन, आ, इस लेक्चर को तो विद दिस लेट्स फॉलो लेट्स थ्री सी अप्रोच एंड हम रमापा टेम्पल के बारे में डिस्कस करते हैं तो हम इसको क्यों डिस्कस करें जैसे मैंने आपको बताया था कि जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है उसका जो फोर्टी फोर्थ सेशन है वो अभी चाइना में हुआ था फुजोऊ करके एक जगह है तो वहां पे रामप्पा टेम्पल है जो उसका कॉमन नाम है जो घर का नाम है एक तरीके से कहते हैं ना कि बच्चे का एक घर का नाम होता है, है, तो है, 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 है इंस्क्राइब करा है, वो है ककातिया रुद्रेश्वर रमप्पा टेम्पल तेलंगना तो इस नाम से रमाप्पा टेम्पल को इंस्क्राइब करा गया है तो ककातिया आप देखेंगे तो एक डायनेस्टी थी साउथ इंडियन इस तरह से इसको इंक्लूड करा गया रुद्रेश्वरा वह से इंक्लूड करा गया है क्योंकि वहां की प्रेसाइडिंग रुद्रेश् जी हैं रामप्पा जो उनके स्कल्प्टर हैं उनके नाम पे ये को इंस्क्राइब आ, कहा जाता है तो से ये नाम है और तेलंगाना में लोकेटेड है तो, से। तो इस नाम से ऑफिशियली है तो सारे हम को ऑफिसियम डायनेस्टी के बारे में भी हम ब्रीफली पढ़ेंगे क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करेंगे और बाकी टेम्पल का पूरा ओवरव्यू डिस्कस करेंगे और ये मैंने आपको बताया था कि फुजो करके जो चाइना में जगह है तो उसके बारे में भी एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं मैप पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे चांसेस बहुत कम है बट हम नहीं चाहते कि कोई भी डायमेंशन इस लेक्चर में आपकी इस रिलेटेड टॉपिक में छूटे तो जो फुजो ये में जो ये चाइना में कोस्टल जगह है वहां पे है, is, पे है एंड इट इज मतलब इसके अक्रॉस ताइवान स्ट्रेट है पे तो ताइवान ताइवान ये है है स्ट्रेट एंड उसको क्रॉस करेंगे तो मेन लैंड चाइना आ जाएगा जहां पे फुजो है तो ये आपका इसलिए भी इंपॉर्टेंट है अगर मैप मार्किंग में अगर वो पूछ कि बेजिंग कहां पे है आपका शंघाई कहाँ पे आपका मकाऊ कहां पे है फुजो कहाँ पे है तो वो मैप मार्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये आपका हॉगकॉन्ग है और फिर ऊपर आपका फुजो है यह ताइवान स्टेट है और ये आपका ताइवान है अब हम पढ़ते हैं कि रुद्रेश्वर टेम्पल के बारे में रमप्पा टेम्पल के बारे में तो उसके बारे में सारी डिटेल्स पढ़ लेते हैं फैक्ट्स में तो पहले तो अगर उसके नाम पे जाएं जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑफिशियल नाम जो इंस्क्राइब करा गया है वो ककातिया रुद्रेश्वरा रमप्पा टेंपल है तो वैसे इसको रुद्रेश्वर टेम्पल कहा जाता है बट साथ में इसको रमप्पा टेम्पल भी कहा जाता है एंड इट इज नेम्ड आफ्टर द स्कल्प्टर रमप्पा तो यह कहा जाता है कि प्रॉबली दिस इज द ओनली टेम्पल इन इंडिया जहाँ पे जो टेम्पल है वो उसके स्कल्प्टर के नाम से ज्यादा जाना जाता है क्योंकि नॉर्मली होता है कि किंग्स अपने नाम पे कोई मॉन्यूमेंट रखवा लेते हैं या फिर प्रिसाइडिंग डी है तो उनके नाम पे कोई मॉन्यूमेंट रखी जाती है पर ये टेम्पल इनके स्कल्प्टर के नाम से ज्यादा जाना जाता है रामप्पा तो इन्होंने काफी साल इन्वेस्ट करे थे तो वहां के जो किंग थे उस टाइम पे गणपति देवा तो उन्होंने खुश हो इनके नाम पर यह टेम्पल रख दिया गया था लोकेशन की बात करें तो इट इज लोकेटेड एट पलम पेट इन मुलुगु डिस्ट्रिक्ट नियर वरंगल इन तेलंगाना तो ये भी लोकेशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है और जो इनकी प्रिइिंग डीटी है वो है रामलिंगेश्वर स्वामी तो ये है उनको रुद्रेश्वरा भी कहा जाता है तो इसी वजह से इनकी जो प्रिइिंग डीटी है वो है रामलिंगेश्वर स्वामी जिसको रुद्रेश्वरा भी कहा जाता है तो ये इनके टेम्पल है अब कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनके बारे में भी बात कर लेते हैं दो तो टेम्पल कॉम्प्लेक्स वॉज बिल्ट बाय रचेलरा रुद्र रेड्डी जनरल ऑफ ककातिया किंग गणपति देवा तो ये हाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्वॉल्व है अगर यहाँ पे क्वेश्चन आए तो किस में क्योंकि ड्यूरेशन तो में काकातिया किंग के ड्यूरेशन में वो इतनी डीप जाके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यह टेंट्रक्ट करा गया था तो करेक्ट आंसर है काकातिया किंग गणपति देवा पर यह जो टेंपल किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था तो वो थे जो इनके जनरल थे रुद्र रेड्डी तो उन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया था बट एक्चुअल स्कल्प्टर कौन थे जो इन्वॉल्व थे जो ग्राउंड वर्क थे तो वो आपके थे रामपा थे जिनके नाम पे टेंपल रखा गया है तो इनके नाम पे भी नहीं मिस्टर रेड्डी के नाम पे भी टेंपल नहीं है गणपति देवा के नाम पे भी टेंपल नहीं रखा गया जो इनके स्कल्प्टर थे उनके नाम पर रखा गया था तो जो ककातिया डायनेस्टी थी वो आपकी मेनली ट्वेल्थ से फोर्टीन सेंचुरी में आपका रूल करा था थर्टीन सेंचुरी में जब वो डायनेस्टी अपनी पीक पे थी गणपति देवा के ड्यूरेशन में नॉर्मली तभी टेम्पल को कंस्ट्रक्ट करा जाता है बिकॉज उसमें काफी ज्यादा टाइम पैसा जाया जाता है तो कोई भी ऐसी मॉन्यूमेंट होती है जब वहाँ पे आपकी जो किंगडम आपकी पीक पे होती है तो थर्टीन सेंचुरी में इसको कंस्ट्रक्ट करवाया गया था टू बी स्पेसिफिक ट्वेल्व हंड्रेड में एंड इसकी चार मतलब चार पाँच डिकेड्स लग गए थे इसमें बट जो इसका टेम्पल था तो अलाउद्दीन खिलजी की जो फोर्सेस थी उन्होंने भी इसे रेड करा था तो मलिक कफूर करके

तो ये अब टेम्पल का एक बेसिक ओवरव्यू हो गया हम इसके आर्किटेक्चर की बात कर लेते हैं तो आप हाँ ये कुछ चीजें देख सकते हैं कि पहली बात तो ये जो इसका एक प्लेटफॉर्म है, है जो सिक्स फीट हाई कुछ है ठीक है और ये आपका जो प्लेटफॉर्म है ये स्टार शेप में कहा जाता है कि स्टार शेप प्लेटफॉर्म है एक रेस्ट प्लेटफॉर्म है उस पर कंस्ट्रक्ट करा गया है फिर यहाँ पे इस टेम्पल में काफी सारे पिलर्स हैं यहाँ पे कार्व पिलर्स हैं जो ग्रेनाइट्स हैं यहाँ पे इनको एनिमल्स या फिर वुमेन उनकी जो मतलब उनकी इमेजेस को इंस्क्राइब करा गया है तो ये आपका रेड सैंडस्टोन से कंस्ट्रक्ट करा गया है पर जो इसका जो गोपुरम है और जो इसकी रूफ है वो आप देखेंगे कि वाइट कलर से कंस्ट्रक्ट करी गई है तो इसमें व्हाइट ब्रिक्स यूज करी गई थी और जो व्हाइट ब्रिक्स ये कहते हैं कि इतनी हल्की थी इतनी हल्की थी कि उन वो पानी के ऊपर भी फ्लोट कर सकती थी तो इसका टेस्ट भी करवाया गया था यहां पे जो ब्रिक्स यूज करी गई थी वो किसी और किंगडम्स ने भी टेस्ट करवाया था तो कहा जाता है कि ये इतनी ज्यादा लाइट है कि दिस द रूफ द गोबरम ये जो वाइट है वॉटर ये, तो, ये, तो उसके बारे में भी हम देख लेते हैं ये आर्किटेक्चर है इनका इस टेम्पल का इट स्टैंड ऑनओ सिक्स फीट हाई स्टार शेप प्लेटफॉर्म जो मैंने आपको बताया था द मेन स्ट्रक्चर इज रेडिश सैंडस्टोन और जो फ्लोरिंग है वो ग्रेनाइट है

कोलैब स्ट्रक्चर है ऑफ टें लाइक कत्तेश्वर्या एंड कमेश्वर टेम्पल्स तो ये जो टेम्पल्स के जो कोलाब स्ट्रक्चर है मैंने आपको बताया था कि ये टेम्पल और इसके जो सराउंडिंग टेम्पल्स हैं यहां पे काफी सारे टेम्पल्स हुआ करते तो इनके ऊपर काफी रेड्स भी हुई थी अलाउद्दीन खेजी ने भी कुछ रेड्स कराई थी बाद में भी रेड्स हुई थी प्लंडर भी करा गया था अर्थक्वेक भी आया था इस एरिया में तो इनके स्ट्रक्चर्स वहां पे आसपास हैं फिर इसके स्ट्रक्चर के बारे में एक और टेक्निक के बारे में बात कर लेते हैं वो है सैंड बॉक्स टेक्निक जो मैंने आपको बताया था कि यहां पे इस टेम्पल में के एरिया में अर्थक्वेक भी आया था बट इन स्पाइट ऑफ दैट ये टेम्पल काफी सेफली बच गया था अर्थक्वेक से रीजन भी क्योंकि सैंडबॉक्स टेक्निक से कंस्ट्रक्ट करा गया था तो कल्चर में इंस्टेड ऑफ आस्किंग अ क्वेश्चन हो सकता है पहले से पूछ ले और मीनस में भी हो सकता है छोटा सा क्वेश्चन पूछ ले वो सैंड बॉक्स टेक्निक के बारे में आप पूछे आप सोचेंगे कि कल्चर में क्यों पूछा है

फिल्ड विदिक्सर ऑफ सैंडलाइम जागरी फॉर बाइंडिंग एंड करके ब्लैक मायरोबलन फ्रूट तो रमपा टेम्पल के कंटेक्स में इस मिक्सचर से सैंडलाइन जागरी मतलब कोई भी बाइंडिंग मेटीरियल एंड करके ब्लैक मायरोबलन फ्रूट उसके साथ उसको फिल करा जाता है और उसके ऊपर वहां पर जो उसकी फाउंडेशन होती है उससे फिल करा जाता है और उसके बाद बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करी जाती है तो ये जो पेट होती है, जहांपे, जहांपे पूरी ले करी जाती है तो उसको सैंडबॉक्स कहते हैं कि के साथ, और साथ में जो जैगरी हो, हो गया उससे तो तो इनकेस आता है तो यानी अगर हम कहें टेम्पल हो गया ठीक है तो ये आपका सैंडबॉक्स हो गया इसको फिल कर दिया गया सैंड से तो अगर अर्थक्वेक तो इस केस में एक्चुअल फाउंडेशन तो ये आपकी हो गई तो अगर अर्थक्वेक आएगा तो इस सैंडबॉक्स के वजह से जो अर्थक्विक का जो इंपैक्ट है वो कम हो जाएगा और जब तक वो फाउंडेशन पे हिट करेगा ना तो उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा कम हो जाएगा तो ये आपका सैंडबॉक्स टेक्निक होता है ये ठीक है तो इस चीज का ध्यान रखना कि ये सैंडबॉक्स टेक्निक है तो मेनली अर्थक्विक रेजिस्टेंस बन जाती है जो आपकी मॉन्यूमेंट्स हो गए आपके टेम्पल्स हो गए तो जैसे मैंने आपको बताया था कि सेवनटीन सेंचुरी में बहुत ज्यादा एक मेजर अर्थक्विक आएगा जिसकी वजह से सराउंडिंग जो स्ट्रक्चर्स थे टेम्पल्स थे वो डैमेज हो गए थे पर ये बच गया था तो इसी वजह से अर्थक्वेक की जो वाइब्रेशन है उसका इंपैक्ट कम हो जाता है तो अगर वो पूछेंगे कि इज इट सैंडबॉक्स टेक्निक के बारे में आप बता सकते हैं दूसरा कि उसका पर्पस क्या है वो भी बता बता सकते सकते हैं हैं तीसरा के बारे में बता सकते हैं। और साथ में ये भी बता सकते हैं कि सेवनटीन सेंचुरी के अर्थक्वेक से बच गया था टेम्पल तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस साल के के लिए और नेक्स्ट साल के प्रिलम्स के लिए अब अगर इसके हम लेगेसी की बात करें तो मार्कोपोलो जो कहते हैं जिन्होंने काफी दुनिया के काफी एरियाज उन्होंने ट्रेवल करे थे So, इन्होंने भी ककिया डायनेस्टी को उनकी जो एम्पायर थी उसको भी विजिट करा था एंड ही एलिजिटली कहा जाता है दैट इज टू हिम अब ये कहते हैं कि नहीं है इसमें कितना सच है नहीं है पर ये कहा जाता है कि मार्को पोलो ने कहा था कि ही किल्ड दिस टेम्पल द ब्राइटेस्ट स्टार इन द गैलेक्सी ऑफ सो दे कैन आस्क दैट दिस कोट इज एट्रीब्यूटेड टू विच एक्सप्लोर विच ट्रेवलर अब वो पूछ सकते हैं फाहीन पोलो कौन सा तो करेक्ट आंसर है मार्को पोलो हो गया तो ये आपका फर्स्ट हो गया सेकेंड अगर हम बात करें तो एक और पर्सनैलिटी है नटराज रामकृष्ण तो नटराज रामाकृष्ण है तो मैंने आपको बताया था कि इस टेम्पल के जो पिलर्स हैं ग्रेनाइट डोलराइट होते हैं तो उसमें म्यूजिशियंस फीमेल डांसर्स या फिर मिथिकल एनिमल्स हैं उनको काफ करा जाता है तो जो नटराज रामकृष्ण करके हैं सो ही पेड अ विजिट टू द टेम्पल एंड इन पिलर्स को देख के ही ही रिवाइव डांस फॉर्म बाय द नेम ऑफ पेरिनी शिव तांडवम तो आपको पता है कि शिवजी जो तांडव डांस करते हैं वो ईश्वर से करते हैं हिंदू माथोलॉजी में कहा जाता है कि जब तो तांडव डांस करते हैं तो उससे डिस्ट्रक्शन हो जाती है प्रलय आ जाता है तो शिव तांडव करके एक डांस फॉर्म है और पेरिनी शिव तांडव डांस जो है दैट इज वो आपका होता है कि तेलंगाना में होता है वहां की रीजनल डांस फॉर्म है सो इंस्टेड ऑफ आस्किंग अ क्वेश्चन ऑन रामप्पा टेम्पल दे कैन आस्क अ क्वेश्चन ऑन दिस तो ये ईश्वर से इंटरलिंक्ड है कि जब नटराज रामकृष्ण ने

ये लॉर्ड शिवा के ऑनर में करी जाती है तांडव वो तो काफी आपको पता ही होगा कि तांडव डांस शिव जी को एट्रिब्यूट करा जाता है तांडव डांस और तेलंगाना का रीजनल डांस फॉर्म है तो ये भी इंपॉर्टेंट है ये पूछ सकते हैं नॉर्मली जो आपके क्लासिकल डांस है उसके बारे में शायद ना पूछे क्योंकि वो ईजी हो जाएगा तो इसके बारे में पूछ सकते हैं इस साल अब हम तो कुछ एक दो आपके जो रिलेटेड आस्पेक्ट है वो भी डिस्कस कर लेते हैं और वो आगे आपका एंशियंट हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और वो है आपका ककतिया डायनेस्टी के बारे में तो ये पूछ लेते हैं इसमें कौन कौन से मेजर रूलर थे उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं तो साउथ इंडियन डायनेस्टी थी और कौन से एरिया को रूल करती थी ये जो ईस्टर्न डेकन रीजन हो गया यानी कि उसमें आज का जो प्रेजेंट तेलंगाना हो गया आंध्र प्रदेश हो गया फिर आपका ईस्टर्न कर्नाटका हो गया सदर्न उड़ीसा हो गया तो उस एरिया को रूल करती थी एंड ड्यूरिंग वॉट टाइम कौन से टाइम पे तो ट्वेल्थ एंड फोर्टीन सेंचुरी के बीच में ये रूल करती थी एंड इनकी जो कैपिटल थी वो प्रेजेंट वांगल इनकी कैपिटल हुआ करती थी उस टाइम पे और उसका नाम वरांगल का उस टाइम पे होता था थारुगालू जैसे आज हम वांगल के नाम से जानते हैं तो ये जो आपका हो गया ईस्टर्न डेकन रीजन हो गया तेलंगाना आंध्र प्रदेश पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न कर्नाटक एंड सदर उड़ीसा बिटवीन ट्वेल्थ एंड फोर्टीन सेंचुरी कैपिटल ये हो गई अब इनकी टाइमलाइन के बारे में पढ़ लेते हैं कि और इसमें कौन कौन से की रूलर थे तो पहले मैंने आपको यह भी बता देता हूं कि जब इनकी ओरिजिन की बात करें सो दे सर्वेटरी टू द राष्ट्रकोता एंड वेस्टर्न चालुक्यास फॉर मोर देन टू सेंचुरीज बट उसके बाद इन्होंने चालुक्यास को इन्होंने हराया उस एरिया में एंड देन देविटी अंडर जो इनके जो पहले मेजर रूलर माने जाते हैं वो है परुद्रा वन तो 1163 एडी में 1163 में इन्होंने चालुक्यास को उस एरिया में हराया तो प्रताप रुद्रा वन के अंदर डायनेस्टी की आपकी स्टार्ट हुई थी जो मेजर उन्होंने सोविनिटी एज्यूम करी थी तो प्रताप रुद्रा वन इनके जो पहले मेजर लीडर हो गए देन ड्यूरिंग गणपति देवा जिसके ड्यूरे जिनके टेन्योर के अंदर इस टेम्पल की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी इनके जनरल ने ही मिस्टर रेड्डी ने ही अपना टेम्पल कंस्ट्रक्ट करवाना शुरू करा था तो गणपति देवा के अंदर जो एम्पायर थी काफी ज्यादा एक्सपैंड हुई देन गणपति देवा वॉ सक्सीडेड बाय रुद्रमा देवी वो ऑल्सो रूल्ड इन दर्टीन सेंचुरी और रुद्रमा देवी जो हम देख सकते हैं कि ये क्वीन थी तो शी इज वन ऑफ द फ्यू क्वीन्स इन द इंडियन हिस्ट्री बहुत कम अगर बात करें क्वीन्स के बारे में हम बात करते हैं झांसी की रानी के बारे में बात कर लेते हैं फिर आपका ये डेली सल्टीनेट की जो रजिया रजिया सुल्तान थी उनके बारे में बात कर लेते हैं पर रुद्रमा देवी के बारे में शायद ना पता हो तो हो सकता है कि रमप्पा टेम्पल के बारे में वो बात ना करें एंड इंस्टेट दे कैन आस का क्वेश्चन ऑन द काकतिया डायनेस्टी तो यहाँ पे भी इसी वजह से मैंने इस टॉपिक को भी इंक्लूड कर लिया तो रुद्रमा देवी को सक्सीड करा था पर उसके बाद यहां पे जो इनकी एम्पायर थी वो डिक्लाइन होने लग गई थी सो फ्रेंड्स विद दिस आई हैव कवर्ड द द टॉपिक ऑफ रमप्पा टेम्पल एज वेल एज द दकतिया डायनेस्टी को पूरा डिटेल में कवर कर लिया है इन अ सी अप्रोच ऑफ करंट ओरिएंटेड कॉम्प्रिहेंसिव येट इन अ वेरी कंसाइज मैनर आई होप यू लाइक दिस लेक्चर इफ यू लाइक डिट देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन शेयर इट विद एज मेनी फ्रेंड्स एज यू कैन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ इक्यू बायस ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फ्रेंड्स आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है और वो ये है कि अगस्त के महीने में ए क्यू बायस अपना नया फाउंडेशन बैच अपना लॉन्च कर रहा है तो उसमें जनरल स्टडीज एस से और सी साइड आपको पढ़ाए जाएंगे जिसमें 800 घंटे की क्लासेस आपको ओवरऑल प्रोवाइड करी जाएंगी जो प्रिलम्स एज वेल एज मीन दोनों को टच करेगा कवर करेगा और साथ में 80 घंटे की करंट अफेयर्स की क्लासेस उस 800 सौ घंटों में इंक्लूडेड होंगी यानी कि दस आपका टाइम करंट अफेयर्स को डेडिकेट करा जाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा वेटेज रहती है Apart from that, we are also launching optional batches for history, geography, political science and IR, sociology, and public administration. And also, we are very, uh, present on the various social media platforms like Facebook, Instagram, YouTube, and Telegram. So subscribe to the channel of AQBias on these social media channels. Also, our office is open in old Rajendranagar Bada Bazaar Mark. So you can pay us a visit to resolve any of your queries. So friends, this is Deepak Singh on behalf of AQ bias. Bye. Thank you you <laughs>